का हमारा शॉर्ट टॉपिक है सुरक्षा क्लिनिक, जो कि 1992 में मनाया गया था। और इस क्लिनिक का जो सुरक्षा क्लिनिक, जो सुरक्षा मतलब कि एक तरीके का प्रोटेक्शन, क्या है सुरक्षा का मतलब, एक तरीके का आपको प्रोटेक्शन है जो इस क्लिनिक के थ्रू है, जो जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उनके लिए जो क्लिनिक यहाँ पर लाया गया था। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो नेको है उसके थ्रू, किसके थ्रू, नेको के थ्रू, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जो नेको है उसके थ्रू, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पर HIV और एड्स के साथ साथ जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, उसके लिए सुरक्षा क्लिनिक लाया गया था। अब यहाँ पर इस सुरक्षा क्लिनिक को आपको बताने का जो एक टारगेट है आज का हमारा, वो ये है कि अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ है, GNM राजस्थान ने एग्ज़ाम लिया है, उसमें इस क्लिनिक से आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन है लेकिन उसमें पूरे बेचारे जो स्टूडेंट थे वो पूरे एक तरीके से हमें कह सकते हैं कि उनका माइंड काम ही नहीं किया कि पूछ क्या लिया गया उनसे। तो यहाँ पे देखिए, तो आप देख सकते हैं कि एक RTI जो एक किट है नेको के थ्रू मिलती है, एड्स कंट्रोल जो सोसाइटी है नेको के नाम से आप इसको जाने तो भी अच्छा है, और एड्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाने उसके थ्रू भी अच्छा है। तो इस किट में टोटल 7 कलर कोड इस्तेमाल किए जाते हैं। कितने? 7 कलर कोड इस्तेमाल किए जाते हैं। किट फर्स्ट होती है कैसे, ग्रे कलर की। ये पूरी किट है जो ग्रे, ग्रीन, वाइट, ब्लू, रेड, येलो एंड ब्लैक, ये पूरी किट के साथ साथ इन किट में जो कलर कोडिंग है इसको टेस्टिंग करने के साथ साथ इसमें मेडिकेशन भी अवेलेबल होती है। तो यदि किट फर्स्ट यूज़ की जा रही है जो कि ग्रे कलर की होगी, इसमें जो मेडिकेशन होगी वो होगी एजिथ्रोमाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, सिफेक्सिम जो कि एक एंटीबायोटिक है, एक एक टैबलेट। और इसमें किस कंडीशन में ग्रे किट यूज़ करके टेस्टिंग की जाएगी, जब यूरेथ्रल और एनोरेक्टल और सर्वाइकल डिस्चार्ज हो रहा हो, मतलब यूरेथ्रा के थ्रो, एनल और रेक्टल एरिया के थ्रो, या फिर सर्विक्स के थ्रो डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, तब किट फर्स्ट जो कि ग्रे कलर की है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी होती है ग्रीन कलर की किट। कैसे? ग्रीन कलर की किट होती है, इस ग्रीन कलर की किट में यदि वेजाइनाइटिस, क्या है, वेजाइनाइटिस है या फिर वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, वेजाइनल इन्फेक्शन है, तब ग्रीन कलर की किट यूज़ की जाएगी। और इसमें जो मेडिकेशन होगी वो क्या होगी, सियोनेडाजोल की 1 टैबलेट और फ्लूकोनाजोल की 1 टैबलेट। यदि किट वाइट यूज़ की जा रही है, किट तीसरे नंबर की किट क्या है, वाइट कलर की किट है, इस्तेमाल किया जा रहा है जब जेनाइटल अल्सर हो, मतलब नॉन हर्पेटिक का मतलब हर्पीस के पूरे सिम्टम नहीं है लेकिन जेनाइटल अल्सर हो या फिर वार्ट्स हो, तब वाइट कलर की किट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें वेंजाथिन पेनिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, यहाँ पर वेंजाथिन पेनिसिलिन की 1 टैबलेट, एजिथ्रोमाइसिन की 1 टैबलेट रहेगी। एंड यहाँ पर आपको इसी किट में 10 डिस्पोजेबल सिरिंज भी होंगी और यहाँ पर स्टाइल वाटर भी होगा। 1 ग्राम यहाँ पर बात की जा रही है एजिथ्रोमाइसिन की। तो यहाँ पर आपको ये क्या करना है, याद रखना है कि कौन सी किट में क्या अवेलेबल रहेगा, ये आपका काम रहेगा याद करना, मेरा काम रहेगा आपको समझाना। चौथे नंबर की किट होती है ब्लू कलर की किट, ये यूज़ की जाती है कब, जब पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी हो, जेनाइटल अल्सर डिसीज़ हो, जो किट वाइट में कहा गया है लेकिन उसको वेंजाथिन पेनिसिलिन से एलर्जी हो, तब ब्लू किट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन होगा और एजिथ्रोमाइसिन होगा। फिर आता है जेनाइटल अल्सर है और हर्पेटिक मतलब हर्पीज वाले सिम्टम हो, क्या हो, हर्पीज वाले सिम्टम हो, तब रेड कलर की किट, 5 नंबर की किट यूज़ की जाएगी। इसमें एसाइक्लोविर होगा जो कि एक एंटीवायरल ड्रग है, याद रखना है क्या, एसाइक्लोविर एंटीवायरल ड्रग है, 400 mg रहेगा, 1 टैबलेट TDS 7 दिनों तक दी जाएगी। फिर यदि लोअर एब्डोमिनल पेन होता है या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिशीज है तो येलो कलर की 6वें नंबर की किट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें सिफेक्सिम होगा, मेट्रोनिडाजोल होगा और डॉक्सीसाइक्लिन होगा। लास्ट किट आती है कौन सी, ब्लैक कलर की किट नंबर सेवन, जिसको इंग्वाइनल ब्यूबोस सिम्टम्स की बात कहें हम या फिर इंग्वाइनल पेन की बात करें, तब इस किट का इस्तेमाल किया जाएगा।
अब यहाँ पे चलिए आपको दिखाते हैं कि पर्टिकुलर सिंगल किट आपको कैसी दिख, जो पूरी किट है, पूरी किट है वो दिखाई जा रही है, ग्रे कलर की किट। ग्रे कलर की किट में यहाँ पर किट जो तीन बनी हुई, फर्स्ट सेकंड थर्ड में किट, फर्स्ट में ही कंसीडर की जाएंगी। यूरेथ्रल डिस्चार्ज, जो सर्वाइकल डिस्चार्ज है, पेनफुल स्क्रेटल स्वेलिंग हो, तब ये ग्रे किट है जो यूज़ की जाएगी किट नंबर फर्स्ट के नाम से। यदि किट सेकंड की बात करें, जिसको ग्रीन किट नाम से भी जाना जाता है, यदि वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा हो तब, और इसमें जो मेडिकेशन है, यहाँ पे आप इसको देखिए, जो मेडिकेशन है यहाँ पर वो यहाँ पे इस किट में दी गई है। साथ में फिर बात करें वाइट कलर की किट की, तो वाइट कलर की किट जेनाइटल अल्सर और नॉन हर्पेटिक अल्सर के लिए वाइट और ब्लू कलर की किट है यूज़ की जाएंगी। लेकिन ब्लू किट कब यूज़ की जाएगी, जब जो जिस भी पर्सन को जो किट नंबर थर्ड वाइट कलर की किट है, इसमें क्या होगा, बेंजाथ्रिन पेनिसिलिन है, और इस पेनिसिलिन से एलर्जी होने के कारण क्या यूज़ किया जाएगा, यहाँ पर ब्लू किट का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसमें पेनिसिलिन की जगह क्या होगा, डॉक्सीसाइक्लिन होगा और एजिथ्रोमाइसिन सेमेज रहेगा। फिर बात करें हम हर्पेटिक यदि सिम्टम्स हो, तब किट फाइव यूज़ की जाएगी, जो यहाँ पर लाल कलर की होगी। इसमें मेडिकेशन की बात करें हम, तो एंटीवायरल ड्रग होगी ये साइक्लोविर। यहाँ पर जो जितनी दी गई हैं, एक और क्वेश्चन एग्जाम में आपका बनता है कि जो किट नंबर फाइव है रेड कलर की, जेनाइटल अल्सर हर्पेटिक है, तो यहाँ पर हर्पीस जो कि ये क्या है, वायरस है। अब इसके लिए, इसको ट्रीट करने के लिए जो किट फाइव यूज़ की गई है, एक सिंगल ऐसी किट है जिसमें ओनली क्या है, एंटीवायरल है एसाइक्लोविर। फिर यदि किट येलो की बात करें और किट नंबर सिक्स की बात करें हम, तो यदि लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ जैसी समस्याएं हो, तब ए येलो कलर की किट यूज़ की जाएगी। इसमें सेफेक्सिम होगा, मेट्रोनिडाजोल होगा, डॉक्सीसाइक्लिन होगा। किट सेवन जो कि लास्ट में यूज़ की जाएगी, जो कि ब्लैक कलर की होती है, और यहाँ पर सभी सेक्सुअल पार्टनर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। यदि जो पास्ट थ्री मंथ से क्या है, ट्रीट ऑल सेक्सुअल पार्टनर पास्ट थ्री मंथ, और आपको ये जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे आप जाएंगे, तो आपको ये पूरा किट के बारे में मिल जाएगा कि किट कौन सी किट कब इस्तेमाल की जानी है। यहाँ पर जब ये किट यूज़ की जाएगी, क्या है, जब एक किट से यूज़ की जाएंगी, स्पेशली इंग्वाइनल जो ब्यूबो है, क्या है, इंग्वाइनल ब्यूबो और लोअर एब्डोमिनल पेन के लिए, मतलब किट नंबर सिक्स और किट नंबर सेवन के लिए जब यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा, तब यहाँ पर हर सात दिन में फॉलो अप आफ्टर सेवन डेज फॉर ऑल एसटीआईज, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो इसमें हर सातवें दिन, तीसरे सातवें और चौदहवें दिन किसके लिए, एलएपी के लिए, मतलब लोअर एब्डोमिनल पेन वाली जो येलो किट इस्तेमाल की गई उसमें, सातवें चौदहवें और इक्कीसवें दिन जिनको इंग्वाइनल ब्यूबो के लिए ब्लैक किट से ट्रीट किया गया है, तो यहाँ पे फॉलोअप की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आई होप आपको एक किट्स है जो बहुत ही अच्छे से समझ में आई हो, और आपको इसमें से क्वेश्चन अपकमिंग टाइम में भी आ सकते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि इन किट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, वो भी सीधा आपको जोड़ी मिलाने दे दी गई।